स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू इंग्लिश मास्टर. टुडे वी आर गोइंग टू कवर पार्ट टू ऑफ द चैप्टर ऑफ क्लास 7 ऑन इक्वलिटी विच इज टेकन फ्रॉम सिविक्स. सो वी हैड कवर्ड फर्स्ट पार्ट दैट यू कैन सी ऑन माय चैनल. नाउ लेट अस बिगिन विद पार्ट टू. रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी. हाउ टू रिकॉग्नाइज समबडीज डिग्निटी. यू हैव अंडरस्टूड बाय नाउ दैट द कास्ट वी आर बोर्न इनटू, द रिलीजन वी प्रैक्टिस, the class background we come from, whether we are male or female, these are often the things that determine why some people are treated unequally. तो हम समझ चुके हैं अब तक जो कास्ट में हम पैदा होते हैं, जिस रिलीजन और की प्रैक्टिसेस को हम फॉलो करते हैं, तो हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं, चाहे वो हम मेल हों या फीमेल हों, यही डिटरमाइन करती हैं कि हमें कुछ लोग अनइक्वली क्यों ट्रीट करते हैं. सो दीज आर द फैक्टर्स. रिलीजन इज़ वन फैक्टर, द कास्ट इज़ वन फैक्टर, द बैकग्राउंड वेदर रिच और पुअर दैट इज़ वन फैक्टर विच पीपल डिसाइड एंड ट्रीट अस अनइक्वली. ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड द अंसारीज आर बींग ट्रीटेड अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेज ऑफ कास्ट एंड रिलीजन. सो इन द अबव paragraphs we learnt the story of Mr. Om Prakash Valmiki and Mr. and Mrs. Ansari. So those both were treated unequally. Why? What was the reason? Their caste and their religion was the problem. That is because people did not like them. ये मुस्लिम थे इसलिए लोग उनको अपार्टमेंट नहीं देना चाहते थे, और ओम प्रकाश वाल्मीकि नीची जात को बिलोंग करते थे जिसलिए लोग उन्हें अनइक्वली ट्रीट करते थे या स्कूल में उनके साथ मिसबिहेवियर किया जाता था. व्हेन पर्सन्स आर ट्रीटेड अनइक्वली देयर डिग्निटी इज वायलेटेड. जब उनको अनइक्वल तुम ट्रीट करो तो उनकी जो डिग्निटी होती है वो वायलेटेड होती है, वो बुरा फील करते हैं. द डिग्निटी ऑफ बोथ ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड द अंसारीज वॉज वायलेटेड बिकॉज ऑफ द वे इन विच दे वर ट्रीटेड. सो बोथ फेल्ट बैड बिकॉज ऑफ द ट्रीटमेंट गिवन बाई द people. They did not see the people and their behavior. They were looking them because of their caste and religion. By picking on him and making him sweep the school because of his caste, Om Prakash Valmiki's schoolmates and teachers hurt his dignity badly. जो ego होती है, जो self respect होती है, वो किसने hurt की? उसकी caste को देखकर जब schoolmates ने और teachers ने उसको सफाई करने के लिए बोला. And made him feel as he was less than equal to all other students in the school. और उससे तो अब उसे फील हुआ कि वो दूसरे बच्चों से नीचे था, इसलिए उसको ऐसे फील करवाया गया. सो दिस इज़ हाउ इट इज़ लाइक सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो. यू आर हर्टिंग ऑफ समवन व्हेन यू ट्रीट हिम ऑन द बेसिस ऑफ हिज कास्ट और रिलीजन. बींग अ चाइल्ड ओम प्रकाश वाल्मीकि कुड डू वेरी लिटिल अबाउट द सिचुएशन दैट ही वॉज इन. तो बच्चा होने के वजह से वो ऐसे सिचुएशन में कुछ नहीं कर सकता था. इट वॉज हिज फादर हु ऑन सीइंग हिज सन स्वीप फेल्ट एंग्री बाई दिस अनइक्वल ट्रीटमेंट एंड कन्फ्रंटेड द टीचर. सो हिज फादर टुक अ स्टेप फॉर हिम एंड ही कन्फ्रंटेड द टीचर्स एंड टोल्ड देम दैट इट वॉज नॉट गुड टू ट्रीट हिज चाइल्ड बिकॉज ऑफ ही बिलोंग टू अ लोअर कास्ट. The Ansari's dignity was also hurt when persons refused to lease their apartments to rent to them. तो जब लोगों ने उनको रेंट पे देने के लिए घर भी मना किया तो उनकी ईगो भी हर्ट हुई और सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंची. However, when the property dealer suggested that they change their name, it was their dignity or self-respect that they made them refuse his suggestion. और जब उन्हें रेंट के लिए बोला प्रॉपर्टी डीलर ने कि नाम बदल के तुम जगह ढूंढो, तो उन्हें लगा कि दिस इज द क्वेश्चन ऑफ देयर सेल्फ रिस्पेक्ट. वाई शुड दे चेंज देयर नेम जस्ट टू मेक पीपल अंडरस्टैंड दे आर नॉट मुस्लिम्स. तो इस तरह से उन्हें अपनी डिग्निटी को जो है कुचलना अच्छा नहीं लगा. ओम प्रकाश एंड द अंसारीज डू नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस. दे डिजर्व द सेम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी एज एनी वन एल्स. तो ये इक्वलिटी होती है जब हम किसी को उसकी कास्ट के बेसिस पर या उसके रिलीजन के बेसिस पर उसको अनइक्वल ट्रीट ना करें, बिकॉज एवरी वन डिजर्व्स द सेम काइंड ऑफ रिस्पेक्ट. इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी.
आइए देखते हैं हमारी इंडियन डेमोक्रेटिक कंट्री में किस तरह की इक्वालिटी है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस एवरी पर्सन एज इक्वल। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी को इक्वल रिकॉग्नाइज करता है। सो देयर इज नो डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड और रिलीजन। दिस मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री, इंक्लूडिंग मेल, फीमेल, पर्संस फ्रॉम ऑल कास्ट, रिलीजन, ट्राइब्स, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज इक्वल। सब लोग, चाहे मेल हो, फीमेल हो, किसी भी जात को बिलोंग करते हो, किसी भी रिलीजन से हो, ट्राइब से हो, वो एजुकेशन में भी किसी सेक्टर में हो या फिर इकोनॉमिक बैकग्राउंड में वो ट्रेडर हो या जो भी हो, सबको इक्वल ट्रीट किया जाता है। दिस इज नॉट टू से दैट इनइक्वालिटी सीजेस टू एग्जिस्ट। ऐसा नहीं हो सकता कि ये स्टॉप हो जाएगी। सीज मीन्स स्टॉप होना, टू एग्जिस्ट, ऐसा होना नहीं होगा, कभी नहीं होगा, इट डजंट। बट एट लीस्ट इन डेमोक्रेटिक इंडिया द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन इज रिकॉग्नाइज्ड। ऐसा होता नहीं है, लेकिन इंडिया में एटलीस्ट हमारे यहाँ जो है सबको क्या किया जाता है, इक्वली ट्रीट करने की कोशिश की जाती है। लाइक हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री हमसे कहता है कि हम सबको इक्वली ट्रीट करें, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट और रिलीजन। व्हाइल अर्लियर नो लॉ एग्जिस्टेड टू protect people from discrimination and ill treatment, now there are several that work to see that people are treated with dignity and as equals। ये पहले कोई law नहीं था जो exist करता था जिससे कि हम discrimination, भेदभाव को रोक सकें या ill treatment को रोक सकें, लेकिन अब बहुत सारे laws बन गए हैं जिससे आप dignity को treat अच्छे से treat किया जा सकता है, like सबके लिए एक सा equal behavior किया जा सके। So there are many laws that are being existed in our democratic country that have been passed so that people can protect their dignity। This recognition of equality includes some of the following provisions in the constitution। First, that every person is equal before the law। तो हमारे यहाँ बहुत सारे provisions हैं जिसमें constitution ने बताया है कि कैसे कैसे हम लोग सब equal हो सकते हैं। पहली चीज़ क्या है कि सब law के सामने equal है। There is no discrimination before the law, law के सामने कोई discrimination नहीं होता। What this means is that every person from the president of the country to Kanta, a domestic worker, has to obey the same laws। तो this is how, एक president हो चाहे country का, चाहे वो Kanta एक common man हो, सब, चाहे वो domestic worker common man हो, सबको क्या करना है, सबको law को obey करना है। Everyone has to obey the orders and laws that are being set by the government। Second, no person can be discriminated against on the basis of their religion, race, caste, place of birth or whether they are female or male। दूसरा हमारा कहता है, suggestion देता है हमारा constitution कि आप किसी को भी उसकी race, caste या place of birth या male या female gender difference होने पर आप उसको discriminate नहीं कर सकते। So all are equal in the eyes of the law। Third, every person has access to all public places including playgrounds, hotels, shops and markets। तो यहाँ भी कोई rich और poor ऐसा discrimination नहीं है, जो जहाँ जाना चाहे, चाहे वो playgrounds हों, hotels हों, shops हों या markets हों, सबको allow है, सब जा सकते हैं। All persons can use publicly available wells, roads and bathing ghats। तो जो भी अवेलेबल हैं, जैसे बाथिंग घाट, नहाने की जगहें हो गई, वेल्स हो गए, रोड्स हो गए, सब वो यूज़ कर सकते हैं। सो इट्स नॉट लाइक इफ़ यू आर रिच देन ओनली यू आर अलाउड, ईदर और यू आर पुअर देन यू आर नॉट अलाउड। फोर्थ, अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश्ड। पहले लोगों को क्या होता था, वो एक दूसरे को छूने की इजाज़त नहीं थी, बट अब वो उसको अबॉलिश मीन्स होता है समाप्त कर देना, एंड कर देना। तो अछूत जो लोगों को कह दिया जाता था कि यू नीड नॉट टू टच देम और मेक देम सिट इनसाइड योर होम्स और यू कैन नॉट अलाउ देम टू कम इनसाइड योर होम्स, दिस हैज़ बीन अबॉलिश्ड। अब आप किसी के साथ भी इस तरह का मिसबिहेवियर नहीं कर सकते। द टू वेज इन विच द गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू इम्प्लीमेंट द इक्वलिटी दैट इज गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज फर्स्ट थ्रू लॉज एंड सेकेंड थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। तो दो तरीके हैं जिससे गवर्नमेंट ने इसमें किया है कि आप एक तो लॉ हो गए, दूसरे गवर्नमेंट ने ऐसे सारे प्रोग्राम्स और स्कीम्स चला दी हैं जिससे सभी कम्युनिटीज़ को जो है
जो है जो डिसएडवांटेजड कम्युनिटीज़ होती हैं उन सबको हेल्प मिल सके. लाइक पुअर पीपल हैव लॉट मैनी प्रोग्राम्स दैट दे कैन गेट मनी थ्रू एंड दे कैन सर्वाइव इन अ बेटर वे. तो गवर्नमेंट इज़ हेल्पिंग एवरी वन टू ब्रिंग इन द सेम प्लेस. So there are several laws in India that protect every person's right to be treated equally. और बहुत सारे ऐसे laws भी form किए गए हैं जिससे हर किसी के जो rights हैं वो equally protect हो सकें. In addition to laws, the government has also set up several schemes to improve the lives of communities and individuals who have been treated unequally for several centuries. और बहुत सारी ऐसी communities भी हैं जिन्हें centuries से लोगों ने अच्छे से treatment नहीं किया है. तो उनको भी कहा है कि ऐसे लोगों को भी ऐसी schemes निकाली गई हैं कि उनकी life जो standard है that should be improved. They should also not suffer a lot because of their communities and they are being individual who have been suffering a lot. These schemes are to ensure greater opportunity for people who have not had this in the past. और ये schemes उन लोगों के लिए हैं एक opportunity की तरह for those people who had never these things in the past. Now they are enjoying the facilities which are provided by the government. One of the steps taken by the government includes the midday meal scheme. So you might have heard in government school of India, in every school which is based on government, they are running midday meal schemes. So here in this scheme, you might be knowing children, that meal is provided in the school campus along with milk and the books and everything is provided by the government just to help out the poor children, those who cannot afford. This refers to the program introduced in all government elementary schools to provide children with cooked lunch. Elementary means होता है class 5th तक जो schools होते हैं वहाँ सब में lunch provide किया जाता है. Tamil Nadu was the first state in India to introduce this scheme in 2001. So this has to be remembered by you. तमिलनाडु पहली जगह थी जहाँ 2001 में ये स्कीम चलाई गई थी. द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड ऑल गवर्नमेंट्स टू बिगिन दिस प्रोग्राम इन देयर स्कूल्स विद इन 6 months. उसके बाद गवर्नमेंट टुक इट इनिशिएटिव एंड ही फेल्ट दैट दिस प्रोग्राम वाज गुड एंड हेल्पफुल फॉर द चिल्ड्रन हु वर देयर. सो दे इम्प्लीमेंटेड दिस प्रोग्राम इन ऑल द स्कूल्स ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया एज वेल. द प्रोग्राम हैज हैड मैनी पॉजिटिव इफेक्ट्स. These include the fact that more poor children have begun enrolling and regularly attending school. अब खाना मिलने लगा तो उनकी basic need food होती है. When it was being completed, so more number of children coming and started enrolling themselves for proper studies. So this was to bring so that every individual should get the right of education. Like children also have the right of education, no matter they are poor or rich. Teachers reported that earlier children would often go home for lunch and then not return to school, but now with the midday meal being provided in school, their attendance has improved. तो पहले बच्चे घर जाते थे खाना खाने और वापस से नहीं आते थे. तो जब से midday meal start हुआ तो children पूरे दिन school में रह सके. So they completed their studies throughout the day. Their mothers who earlier had to interrupt their work to feed their children at home during the day now no longer needed to do so. So ladies were also free because these children, poor children, belong to lower caste where their parents are mostly domestic workers. So these children's parents also got the freedom to do their work instead of looking for the children. So this is how it was helpful for the parents also and for the children as well. This program has also helped reduce caste prejudice because both lower and upper caste children in the school eat this meal together. तो इस तरह से जो caste prejudice था वो भी ख़त्म हुआ क्योंकि सब lower हो चाहे upper, all the children used to sit together and they used to have their food. And in quite a few places, Dalit women have been employed to cook the meal. So as we earlier learned, Dalit are the people who are treated badly. तो गवर्नमेंट पर्पजली टुक दलित वीमेन एंड एम्प्लॉयड देम एज अ कुक सो दैट देयर शुड बी नो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अमंग अस. द मिड डे मील प्रोग्राम ऑल्सो हेल्प्स रिड्यूस द हंगर ऑफ पुअर स्टूडेंट्स हु ऑफन कम टू स्कूल एंड कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट बिकॉज देयर स्टमक्स आर एम्प्टी.
So you can understand when your stomachs are empty. So that is the basic need. If it doesn't complete, so how can you focus on studies? So this was to make them more understanding and more focused for their studies, because basics also some parents cannot fulfill. While government programs play an important role in increasing equality of opportunity, there is much that still needs to be done. गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए कि इक्वालिटी जो है वो सबके लिए बराबर हो, लेकिन अभी भी बहुत कुछ है जो इम्प्रूव होने के लिए है. वाइल द मिड डे मील प्रोग्राम हैज हेल्प इंक्रीज द एनरोलमेंट एंड अटेंडेंस ऑफ पुअर चिल्ड्रन इन स्कूल, देयर कंटिन्यूज टू बी बिग डिफरेंस इन आवर कंट्री बिटवीन स्कूल्स दैट द रिच अटेंड एंड दोज दैट पुअर अटेंड. तो फूड यू कैन कंप्लीट दिस डिजायर, बट द स्टैंडर्ड ऑफ द स्कूल लाइक फर्नीचर, the facilities which are available in other private schools that are not there in the government schools, so that also should be taken care of. This is one thing which is not available for these children. Even today there are several schools in the country in which Dalit children like Om Prakash Valmiki are discriminated against and treated unequally. So the writer says that abhi bhi kuch bacche hain jo Dalit hain जिनके साथ मिसबिहेव बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ हुआ था, और उनको अनइक्वली ट्रीटमेंट मिलता है. तो दीज चिल्ड्रन आर फोर्स्ड इनटू अनइक्वल सिचुएशंस इन विच देयर डिग्निटी इज नॉट रेस्पेक्टेड. तो ऐसे ही ये बच्चे हैं जिनकी डिग्निटी को चोट पहुंचाई जाती है. दिस इज बिकॉज पीपल रिफ्यूज टू थिंक ऑफ देम एज इक्वल इवन दो द लॉ रिक्वायर्स इट. Even after implementation of the law, people still mistreat or misbehave with them. So this is also one thing which should be taken care of. One of the main reasons for this is that attitudes can change very slowly. तो ये क्यों होता है? क्योंकि लोगों के attitude जो होते हैं वो एकदम से नहीं बदल जाते. It takes lot of time. Once you are told that Dalits are untouchable, you will keep this thing in your mind for several years. You cannot change your mind at a time. Even though persons are aware that discrimination is against the law, they continue to treat people unequally on the basis of their caste, religion, disability, economic status and because they are women. सबको पता है कि ये discrimination जो है वो law के against है, लेकिन फिर भी लोगों को unequally treatment करते रहते हैं, चाहे वो caste के नाम पर हो, for the sake of religion हो, या disabled, अंधा, बहरा, काना, लूला, कैसा भी हो, उसके साथ भी इकोनॉमिक स्टेटस, जो कोई रिच हो या पुअर हो उसके साथ भी, बिकॉज दे आर मेन और वेमेन, या फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी होता है. इट इज़ ओनली वेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट नो वन इज़ इन्फीरियर एंड दैट एवरी पर्सन डिजर्व्स टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी दैट प्रेजेंट एटीट्यूड्स कैन चेंज. अगर हम सोच लें कि वी कैन नॉट मिसट्रीट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ एनी थिंग अबव मेंशनड हियर, तो हमारा जो एटीट्यूड होगा वो सबका चेंज हो जाएगा. इस्टैब्लिशिंग इक्वालिटी इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज़ अ कंटिन्यूअस स्ट्रगल एंड वन इन विच इंडिविजुअल्स एज वेल एज वेरियस कम्युनिटीज इन इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट टू, एंड यू विल रीड मोर अबाउट दिस इन दिस बुक. तो अभी भी इक्वालिटी को इस्टैब्लिश करना एक चैलेंज है, बहुत स्ट्रगल है, क्योंकि अभी भी लोग हमें हिंदू मुस्लिम या फिर हमें अमीर या गरीब के नाम पर बांटते रहते हैं. तो इससे बचने के लिए बहुत सारे स्ट्रगल हैं जो हमें कहते हैं कि हमें अवेयर होना चाहिए, हमें एक ह्यूमन बीइंग को दूसरे ह्यूमन बीइंग की तरह ही ट्रीटमेंट करना चाहिए, ना कि उसे उसके कास्ट या रिलीजन के बेसिस पर देखना चाहिए. तो ये सब हम दूसरी इस पार्ट को हम दूसरे बुक के पार्ट में भी कवर करेंगे. सो वी विल लर्न दिस ऑल्सो इन द सेम बुक दैट वॉट इज़ ऑल दिस. So till here I explained it today. I hope you understood this part really well. Remaining chapter I will be covering in part 3. If you like the video, do not forget to subscribe it. And if you have a question, do not forget to put it in the comment box. We'll soon meet in part 3. Till then, take care. Bye-bye, children.